आप सभी का स्वागत है एंड्रॉइड गेमिंग न्यूज़ के 51st एपिसोड में। और ये जो हफ्ता रहा हमारे लिए बहुत ही बड़ा था, क्योंकि काफ़ी सारे मोबाइल गेम से रिलेटेड अपडेट आ चुके हैं, जैसे कि मार्बल का एक नया गेम, उसके अलावा नेट ईज का एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने 15 गेम का अनाउंसमेंट किए हैं जो बहुत ही जल्दी उन सब गेम को खेल पाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारा अपडेट से जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, पूरा वीडियो को जरूर देखना, कहीं भी पसंद आ जाए लाइक जरूर करके जाना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ इन सब न्यूज को। और चैनल पे नए आ चुके हो, हर हफ्ते इसी तरह से गेमिंग न्यूज के एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे रेड कलर के बटन को दबा के। तो मच वेटेड बैटल रॉयल मोबाइल गेम इसी हफ्ते 17 मई को रिलीज हो चुका है। ऑब्वियसली नाम तो पता होगा, एपिक्स लेजेंड मोबाइल। उसके साथ साथ उन्होंने सीजन 1 प्राइम टाइम को भी रिलीज किए हैं। उसके अलावा नया लेजेंड फेट जिसका नाम है, उसे आप अनलॉक कर पाओगे गेम को खेलते हुए। तो ज्यादा डिटेल तो आपको नहीं बताएंगे क्योंकि काफी सारा गेम प्ले वीडियोस एपिक्स लेजेंड मोबाइल के ऊपर हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी तक भी उन सब वीडियोस को आप सबने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जरूर से जाके देख लेना, प्लेलिस्ट का ही लिंक दे देंगे। Okay. तो दूसरा अपडेट आ रहा है नेट इज ग्लोबल की तरफ से। उनका नेट इज कनेक्ट 2022 का इवेंट हुआ था। बेसिकली 20 मई को नेट इज की तरफ से एनुअल प्रोडक्ट का इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने 15 अपकमिंग गेम टाइटल को रिवील किए हैं, जिनमें से 6-7 आपको बताने वाला हूँ। जिसमें से पहला है हैरी पॉटर मैजिक अवेकन, इसके बारे में तो आपको पता होगा। दूसरा है नाराका ब्लाइंड स्पॉट मोबाइल। तीसरा है वंस बी ह्यूमन। चौथा है टैंक कंपनी। पांचवा है मिशन जीरो। छठवा है जेड ओ जेड फाइनल आवर। इसके अलावा भी 9 अलग अलग टाइटल उन्होंने रिवील किए हैं। अगर हम सभी के बारे में बताने बैठेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए सोच रहे हैं कि इसके ऊपर एक सेपरेटेड वीडियो आप सभी के लिए लाएं। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो बनाए तो कॉमेंट करके हमें जरूर सजेस्ट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो हमारा तीसरा अपडेट आ रहा है नए मार्बल मोबाइल गेम से, जिसका नाम होगा मार्बल स्नैप। ये एक कार्ड बैटलर गेम होने वाला है जिसमें आप हर मैच को 3 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पाओगे। उसके साथ साथ कलेक्ट और अपग्रेड कर पाओगे अपने सुपर हीरोज और सुपर विलन्स के कार्ड्स को, और उन्हीं को यूज करके आपको खुद का टीम बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल इस गेम का बीटा साइन अप चल रहा है। अगर आपको बीटा साइन अप करना है तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जाके उसे देख लेना, इस गेम के बारे में सभी डिटेल उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। चौथे अपडेट की तरफ चलते हैं, जो आ रहा है एक न्यू इंडियन बैटल रॉयल गेम जिसका नाम ऑब्वियसली आपको पता होगा, अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि 22 को ये गेम गूगल प्ले स्टोर पे प्री रजिस्ट्रेशन पे आने वाला है, तो फाइनली ये गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। और उन्होंने एक एक्सटेंडेड ट्रेलर को भी रिलीज किए हैं जिसमें हमें थोड़ा बहुत डिटेल पता चलता है कैरेक्टर के बारे में। जैसे कि आप ऑन स्क्रीन ट्रेलर देख पा रहे हो जिसमें से सबसे पहला कैरेक्टर है त्यागी, जो एक देसी लुक के साथ आएगा, लीडर है भीकल टोली का। और दूसरा जो है बोरिस, जो एक मॉडर्न कैरेक्टर है, लीडर है वेलवेट्स का। और तीसरा कैरेक्टर अननोन है जो आसमान से लास्ट में एंट्री करता है इस गेम के ट्रेलर में। तो काफी डिफरेंट सा गेम बना रहे हैं, ग्राफिक्स तो काफी देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन MPL के तरफ से एक गेम लॉन्च हुआ था जो एक मल्टीप्लेयर गेम था, उसे शायद आप सबने खेला होगा, उसी के जैसे सिमिलर ग्राफिक्स लग रहे हैं। लेकिन अभी तक गेम के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं आया है तो अभी बोलना बहुत ही जल्दी होगा। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्या अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स को आप प्री रजिस्टर कर चुके हो या फिर इस वीडियो को देखने के बाद करने जाने वाले हो। तो हमारा जो अगला अपडेट है रोलर चैंपियंस मोबाइल गेम से। इस गेम के बारे में शायद काफी सारे दोस्तों को नहीं पता होगा या फिर पता होगा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या इस गेम के बारे में ऑलरेडी सुन चुके हो। लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम बता देते हैं, ये एक फ्री टू प्ले गेम होने वाला है यूबीसॉफ्ट की तरफ से, जिसका रिलीज डेट को सेट किया गया है 25 मई, सिर्फ और सिर्फ पीसी और कंसोल यूजरों के लिए। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो एंड्रॉइड गेम से रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं तो पीसी और कंसोल कहां से आ गया। रुको जरा, सबर करो। जी हाँ बिल्कुल सही, थोड़ा तो सबर करो, सब कुछ धीरे धीरे हम बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम गेम के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक 3v3 स्केटिंग एक्शन कैटेगरी का गेम होने वाला है जिसे फिलहाल अनाउंस किया गया है पीसी और कंसोल यूजरों के लिए, जिसका ऑन स्क्रीन आप सिनेमेटिक ट्रेलर देख पा रहे हो। और डेवलपर ने अनाउंस भी किए हैं कि इस गेम को मोबाइल डिवाइस यूजर के लिए भी पोर्ट करने वाले हैं। अभी क्लियर हो चुका है, लेकिन उनके तरफ से रिलीज डेट को कन्फर्म नहीं किया गया है, तो मुझे लगता है इस गेम को खेलने के लिए हमें 1 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है।
और साथ साथ इस गेम में क्रॉस प्लेटफॉर्म का भी फीचर्स होगा, यानी अगर आप इस गेम को पीसी में खेलते हो कंसोल यूजर के साथ मिलके खेल पाओगे, या फिर कंसोल में खेलते हो तो पीसी यूजरों के साथ भी आप खेल पाओगे, है ना अच्छी बात? नहीं। और आज की इस एपिसोड में आखिरी जो अपडेट है WWE अनडिफीटेड गेम से। अबे साले एक मिनट, हम शायद कुछ गलत बोल चुके हैं, गेम का नाम ही गलत लिए हैं, पावर रेंजर मर्फिन लेजेंड। इससे रिलेटेड ही एक न्यूज निकल के आ चुका है और इसके डेवलपर कौन है पता है? एनवे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इस गेम का सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी वियतनाम और फिलीपींस, और उन्होंने बताया कि इस गेम पे काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी इस गेम का वर्ल्ड वाइड भी रिलीज हो जाएगा, कुछ एक दो महीने के अंदर। और ऑलरेडी एनवे दो पावर रेंजर गेम को मोबाइल डिवाइस में रिलीज कर चुके हैं, जिनमें से सबसे पहला है पावर रेंजर बैटल फॉर ग्रिड और दूसरा जो गेम है पावर रेंजर लेगेसी वॉर। इस गेम को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन पावर रेंजर मर्फिन लेजेंड एक टर्न बेस्ड गेम होने वाला है, जिसका ऑन स्क्रीन आप ट्रेलर देख पा रहे हो। देखने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं लग रहा है, लेकिन एनवे को कोई बताओ यार, गेम जब लॉन्च करते हैं उसके बाद उसमें अपडेट भी देना होता है, जो WWE अनडिफीटेड गेम में बिल्कुल नहीं देते हैं। वो गेम तो ऑलरेडी डेड हो चुका है, काफी महीना गुजर चुका है, उस गेम का कोई अता पता ही नहीं, यानी अपडेट का अता पता नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, पावर रेंजर मर्फी लेजेंड जब ग्लोबल लॉन्च होगा तो क्या इस गेम को आप ट्राई करना पसंद करोगे? मरना तेरे को डर नहीं लगता? उम्मीद करता हूँ आज का ये गेमिंग न्यूज का एपिसोड आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो हर बार की तरह इस बार भी बता दो, जितने भी सारे अपडेट्स आपको बताए हैं आपके हिसाब से बेस्ट वाला कौन सा था। और साथ साथ वीडियो अगर कहीं भी पसंद आ गया होगा तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ इस एपिसोड को। और चैनल पे नया आ चुके हो, आने वाले इसी तरह से इंटरेस्टिंग गेमिंग के ऊपर अपडेट वीडियोस देखना चाहते हो या फिर गेम प्ले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।